चलता हूँ पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊँगा। कहते हैं धरती पर स्वर्ग देखना है तो प्रकृति के सुंदर नज़ारे से बेहतर कुछ नहीं है। जहाँ प्रकृति की खूबसूरती न सिर्फ आँखों को सुकून देती है बल्कि दिल, दिमाग और मन को भी शांति और सौम्यता बना देती है। ऐसा अनुभव लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बिजी लाइफ में फुर्सत के कुछ दिन निकालिए और दिल्ली से 10 घंटे की दूरी पर इस मनोरम जगह का सफर तय करके आइए। जी हाँ, मैं मनाली की बात कर रहा हूँ। एक प्यारा सा हिल स्टेशन जो पर्यटकों को रजत रंग से रंजित खूबसूरत ग्लेशियर जो हिमालय आवृत आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अन्य संकलन के मनोरम दृश्य, अलौकिक मंदिर, हरी भरी और ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगलों से घिरा वन प्रदेश, हरितमा की चादर से लिपटा हुआ कुल्लू घाटी का प्राकृतिक सौरम्य दृश्य का अनूठा संयोजन यह मनाली आपको प्रदान करेगी। इस स्थान की सुंदरता से मोहित होकर बहुत सारे पर्यटक खींचे चले आते हैं। इसी कारण भारतवर्ष में सर्वाधिक खूबसूरती वाला यह पर्यटन स्थल यदि आगामी यात्रा का ड्रीम डेस्टिनेशन है तो चले आइए आप मनाली। आपको तहे दिल से मनाली में आपका स्वागत है। आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि 1800 रुपये में 2 दिन की यात्रा मनाली में कैसे करें। जी हाँ, सच है। तो ये अभी सितंबर और अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ प्राय ऑफ सीजन रहता है। तो यहाँ आपको रोहतांग पास, सोलांग वैली और जो प्रमुख प्रमुख स्थान है वो सब इसमें शामिल करूँगा और वो भी 1800 रुपये के अंदर। तो आप इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। दिल से लाइक कीजिए, दिल से बनाया है। चलो आपको मनाली घुमाते हैं। तो यदि आप दिल्ली से आ रहे तो रात्रि की बस पकड़े और सुबह मनाली उतर जाए। चाय नाश्ता फ्रेश होकर आप ओल्ड मनाली की ओर बढ़ें और ओल्ड मनाली में मनु टेम्पल है जो मनु ऋषि को समर्पित है और ये बहुत ही बेजोड़ नमूना है और इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। इसकी पूरी स्टोरी, पूरा वृतांत यहाँ देख सकते हैं। और पैदल यहाँ ये 3 किलोमीटर पड़ेगा। यदि पैदल आएंगे तो आपको मनाली की जो रूरल लाइफ है यानी कि ग्रामीण जीवन है उसको देखने का अवसर मिलेगा। मनाली के अंदर दूसरी डेस्टिनेशन है क्लब हाउस मनाली। तो यहाँ की टिकट 20 रुपये है और यहाँ आप बहुत सारे जो स्थानीय कलाकारों के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं वो देख सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ में व्यास नदी का जो साथ है और कल कल बहता हुआ इसका जो मधुर संगीत है आपको तरोताज़ा कर देगा, आपकी सारी थकान है वो मिटा देगा। और यहाँ रिवर क्रॉसिंग भी आप कर सकते हैं और उसका चार्ज 150 रुपये के लगभग लिया जाता है। जो ये तार खींचे हुए नदी के ऊपर दिख रहे हैं यहाँ होता है। और इसी के पास दादी माँ या मनाली की सबसे प्राचीन देवी हडिम्बा माँ का मंदिर है। तो यहाँ तीसरे स्थान के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और 500 साल ये देवदार के वृक्षों से आवृत और काष्ठ कला का बेजोड़ नमूना है। और यहाँ देवी जो अडिम्बा है उसका ये बहुत प्राचीन गुफानुमा मंदिर है, भीम की पत्नी, उसका आप दर्शन कीजिए। ये बहुत ही फेमस मंदिर है और यदि आप जनवरी और दिसंबर में आते हैं तो यहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। यदि इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, यहाँ स्नोफॉल भी होता है और यह देवी राक्षसी थी इसलिए यहाँ इसमें हिरण या अन्य जानवरों के सिर टांगे गए हैं, यानी दानवी से मानवी बनने की प्रक्रिया है यही मनाली के अंदर हुई थी। और ये सेंटर मनाली के सेंटर में बसा हुआ है तो यहाँ आप पैदल आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। और यहाँ हिमाचली ड्रेस में आप अपना फोटोशूट ज़रूर करवाइए, बहुत खूबसूरत फोटो आएगा। तो यहाँ आना आप बनता है बहुत ही। और इसके बारे में मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, वो नीचे में लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लें, पूरी कहानी बताई गई है।
अब शांति की तलाश में बस स्टैंड यानी मनाली का मॉल रोड है, उसके पास 2 मिनट की दूरी पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत वातावरण में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, नेनगमापा बुद्धिस्ट टेम्पल। तो यहाँ आइए और बौद्ध धर्म की जो संस्कृति है उससे आप आत्मसात कीजिए, यहाँ की जो शांति है उसको फील कीजिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसका भी मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, मैं नीचे लगा रहा हूँ, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आगे उसी के अपोजिट साइड में मनाली बस स्टैंड के मनाली वन विहार है। ये सिर्फ मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, आप आराम से कवर कर सकते हैं, इतनी दूरी पर नहीं है, आसपास ही है, बहुत कम दूरी पर है। तो यहाँ का चार्ज यदि इस नदी जो व्यास नदी है इस पर आप रिवर क्रॉसिंग करेंगे तो 150 रुपये लिया जाएगा, और मनाली वन विहार घूमेंगे तो 20 रुपये का चार्ज बनेगा, जो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ आप फोटो सेशन करवा सकते हैं, बहुत ही देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच ये स्थान बहुत ही आपको शीतलता प्रदान करेगा। और यदि आप नवंबर में आएंगे तो प्रकृति के अलग अलग रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको एक से बढ़कर एक यहाँ देखने को मिलेंगे। कृपया सावधानी बनाई रखिएगा और प्लास्टिक है वो मत फैलाइए, क्योंकि खूबसूरत स्थान की खूबसूरती आप खराब करेंगे तो संभालेगा कौन? जिम्मेदार नागरिक बनिए। यदि आप यहाँ से उब चुके हैं, मन भर गया है, तो आप चलिए प्रकृति के नज़दीक और नज़दीक, रोहतांग पास रास्ते पर यहाँ खूब सारी आपको टैक्सियाँ मिल जाएगी, उसका विवरण डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का है, इसमें पूरी बात बताई गई है, यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यह बहुत नज़दीक है, ये जोगिनी वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम है, यहाँ ज़रूर यात्रा कीजिए। जोगिनी वाटरफॉल से आप पैदल ट्रैक करके यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही मनोरम पहाड़ियों के बीच, देवदार के वृक्षों के बीच यहाँ आएंगे तो बहुत ही आपको शांति मिलेगी। और यह है वशिष्ठ ऋषि को समर्पित वशिष्ठ टेम्पल, और बहुत सारे टेम्पल भी, शिव मंदिर, राम मंदिर यहाँ हैं, उनका भी आप दर्शन कीजिए। आप कहेंगे तो मैं इनका अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ आप, ये थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है तो यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मंदिर उसका पुनरुद्धार हो रहा है। और यहाँ आते वक्त हॉट वाटर स्प्रिंग यानी गर्म पानी का चश्मा है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग नहाने के बाथरूम बने हुए हैं, तो आप उनमें स्नान ज़रूर कीजिएगा। कपड़े साथ नहीं लाए हैं तो यहाँ मार्केट में आप कपड़े खरीदिए और स्नान करके ज़रूर जाइए। पूरे दिन की थकान यदि नहीं मिट जाए तो चैनल ये दावा करता है कि आपकी निश्चित रूप से थकान मिट जाएगी। तो मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कि आज का कितना खर्चा हुआ। चाय नाश्ता 50 रुपये, खाना 2 टाइम का 100-100 रुपये का 200 रुपये, और मनाली क्लब हाउस की चार्ज 20 रुपये है, और मनाली वन विहार 20 रुपये। और यदि आप जोगिनी वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो 40 रुपये, इस प्रकार टोटल हुआ 310 रुपये। यदि इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग, यानी ट्रेवलिंग करेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, वो आप पर निर्भर करेगा। ये हॉट वाटर स्प्रिंग के गर्म वाटर है, आप देख रहे हैं व्यक्ति छू नहीं रहा है, तो ये खर्चा का पूरा विवरण दिया गया है। अब मैं होटल रूम की बात करूँ रात को ठहरने के लिए, तो वो 500 रुपये से कम में मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, ये ऑफ सीज़न रहेगा पहला स्नोफॉल होने तक, यानी कि नवंबर के आसपास, तब तक यही चार्जेस रहने वाले हैं, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि पहले दिन वाले में यदि कोई स्थान छूट गया तो दूसरे दिन आप शामिल कर सकते हैं, वो आपका एडजस्टमेंट है। और अब दूसरे दिन आपको ले चलते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास सीजन के अंदर 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं प्रति व्यक्ति। ये रोहतांग पास का रास्ता है, और रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है, यदि आप खुद का वाहन लेकर जा रहे हैं, और उसका 500 से 650 रुपये के बीच चार्ज पड़ता है। मैं आपको एक तरीका बता दूँ जो 500 रुपये के अंदर आप जा सकते हैं, स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर नीचे दिए गए हैं, वो शेयरिंग में टेम्पू ट्रेवलर में आपको 500 रुपये के अंदर प्रति सवारी यानी कि पर पर्सन ले जाएंगे, उनसे संपर्क कीजिएगा। कमरे की भी आवश्यकता है तो नंबर उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये शानदार नज़ारे रोहतांग पास के रास्ते के हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे, हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है,
3 TB टेराबाइट डाटा में से ये वीडियो निकाल निकाल के और इनको बहुत मेहनत से शूट करके बनाया है, तो एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यहाँ आने से पहले मैं बता दूँ कि आपको स्नो ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, ये बर्फ़ अभी नहीं है, आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ये वीडियो थोड़ा पहले का है। यदि ये बर्फ़ देखनी है तो आपको 15 नवंबर के आसपास आना होगा, तब आपको मिल जाएगी। अब आपको दूसरा डेस्टिनेशन है सोलांग वैली, वहाँ लिए चलते हैं। और सोलांग वैली के अंदर ये भी वीडियो थोड़ा पहले का है, यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, तो यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और रोप वे राइडिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सोलांग वैली आपको मनमोहित करेगी। और यहाँ एक अनुज अमरनाथ के समान एक शिवलिंग बनता है सर्दियों के अंदर। तो अंजनी महादेव टेम्पल है 2 किलोमीटर, वहाँ आप जा सकते हो। और अब आपको खर्चा बताते हैं आज का। यदि आपके पास एक दिन का समय है और 500 रुपये है, तो यहाँ से आप एक दिन के लिए मणिकर्ण जा सकते हैं। वहाँ गुरुद्वारा साहिब और श्री राम मंदिर, शिव मंदिर, बहुत सारे बहुत ही सुंदर पार्वती वैली के आपको दर्शन कर सकते हैं। तो 500 रुपये उसके लगेंगे। उसका मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो 3 दिन के अंदर आपको 2300 रुपये, 2300 रुपये में खर्चा हो जाएगा टोटल। ये खर्चा कब तक लगेगा या कब तक रहेगा, तो इसका उत्तर है कि ये खर्चा सितंबर और अक्टूबर में लगेगा, और फर्स्ट स्नो फॉल होने से पहले पहले, फर्स्ट स्नो फॉल होते ही इसका चार्ज अपने आप ही वो इंक्रीज कर देते हैं। जितने टूरिस्ट आएंगे उसी हिसाब से आपका खर्चा पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारा मनोबल अप करने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।